और फाइनली तब जाकर इनको एक लीड रोल वाला मूवी मिले जिसका नाम था कलारा संते, और तभी इनको पूरे बेंगलोर में ऑटो रिक्शा चलाना पड़ा था। नवीन कुमार गौडा, जी हाँ, ये नाम अपने केजीएफ क्रॉकी भाई यानी यश का असली नाम है। अगर आपने केजीएफ टू देखा होगा तो उसमें क्रॉकी भाई का तगड़ी डायलॉग होगा, मुझे ये कुर्सी विरासत में नहीं मिली, मेरिट से आया हूँ मैं। भाई सच में ये बंदा अपने मेहनत और बलबूते पर आज भारत का सबसे बड़ा स्टार बना है। भाई सोचो यार, जो बंदा अपने कैरियर के शुरुआत में कन्नड़ सीरियल में छोटे मोटे रोल किया करता था, उसके लिए देश का सबसे बड़ा सितारा बनने का सफर आसान नहीं होगा। देखिए, अल्लू अर्जुन रामचरण एनटीआर लगभग 90% साउथ के एक्टर, सबके बाप दादा एक्टर या डायरेक्टर ही थे, पर अपने यश भाई एक ऐसे एक्टर है जिनके पापा कोई एक्टर या डायरेक्टर नहीं बल्कि बस ड्राइवर है, और अभी भी बेंगलोर में बस चलाते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि इसी काम की वजह से यश इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच पाया और मैं ये काम नहीं छोड़ूंगा। देखिए, यह सबसे पहले कन्नड़ सीरियल में छोटे मोटे रोल किया करते थे और फिर उनको 2005 में एक कन्नड़ सीरियल नंदा गोकुला में लीड रोल करने का मौका मिला और यह सीरियल भी हिट रहे। तब उन्होंने अपनी पहली फिल्म जम्बाड़ा हुडुगी में डेब्यू रोल किया जिसमें हीरो के सपोर्टिंग रोल में थे, रोल छोटा था पर काम तगड़ी की थी। और फाइनली तब जाकर इनको एक लीड रोल वाला मूवी मिले जिसका नाम था कलारा संते, और तभी इनको पूरे बेंगलोर में ऑटो रिक्शा चलाना पड़ा था। दरअसल ये बात है 2009 की, जब इनकी पहले लीड रोल वाली फिल्म बहुत कम बजट में आई थी जिसमें भाई ने अपने जीत तोड़ मेहनत किया था, पर जबकि मूवी का बजट कम था तो इनके डायरेक्टर पास मूवी का प्रमोशन कराने के लिए उतने पैसे नहीं थे, तो इन्होंने अपने फिल्म का पोस्टर को ऑटो के पीछे चिपका के खुद से ऑटो चला के पूरे बेंगलोर का चक्कर लगाया था। और आप कहोगे क्या इससे रॉकी भाई का फायदा हुआ था? हाँ भाई, इससे ऑटो चलाने से तो इनका गोल्डन फायदा हुआ था। भाई पूरा न्यूज का सुर्खियों में छा गए थे और रेडियो पर उन्हीं का नाम और फिल्म के बारे में चल रहा था। भाई यश नाम का एक बंदा है जो अपनी मूवी के प्रचार के लिए पूरे बेंगलोर में ऑटो रिक्शा चला रहा है, और हाँ, इसको लेकर रेडियो पर एक डेली कॉन्टेस्ट भी हुआ करता था और जो वो कॉन्टेस्ट जीत जाएगा उसको यश के साथ ऑटो में बैठने का मौका मिलता था। इसमें से बहुत लोगों को उस ऑटो में बैठने का मौका मिला जो अपने रॉकी भाई चला रहे थे, और इससे भाई की मूवी का खूब प्रमोशन भी हो गया था जिसके कारण रॉकी भाई की कलारा संते मूवी सुपर डुपर हिट रही। और उसके बाद यश भाई कभी रुके नहीं, और एक बात आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि आज तक इनकी एक भी फिल्म फ्लॉप नहीं हुई। देखिए, इन्होंने आज तक 25 फिल्में की जिसमें से एक भी फ्लॉप नहीं हुई, सबने कन्नड़ बॉक्स ऑफिस में धूम मचाया, और अभी इनके केजीएफ 2 पूरे इंडिया के बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ने में बिजी है। देखिए, नवीन कुमार गौडा से रॉकिंग स्टार यश बनने का सफर इनके लिए आसान नहीं था। देखिए, बंदा जमीन से ऊंचाइयों पर पहुंचा है, अभी भी आज इनके पैर जमीन पर है। बाकी आप अपने यश भाई की जर्नी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।